भर के छात्र छात्राओं के लिए बड़ी खबर, एग्जाम पैटर्न बदल गया है। जी हाँ, जरूरी जानकारी है इस खबर में, देखिए ध्यान से। नमस्कार दोस्तों, इस साल होने वाली बोर्ड परीक्षाओं का दौर शुरू हो चुका है। ज्यादातर राज्यों की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा फरवरी 2024 में ही हो रही है। वहीं गुजरात बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 11 मार्च से शुरू होने जा रही है। और अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने बोर्ड या राज्य का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, ताकि आपके बोर्ड या राज्य से जुड़ी जब भी कोई लेटेस्ट न्यूज आती है तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। तो देखिए हमारी छोटी सी रिपोर्ट में बहुत बड़ी खबर। जी हां, आप सभी को बता दें कि गुजरात बोर्ड ने एग्जाम डेट की घोषणा कर दी है, जिससे स्टूडेंट इन डेट्स के मुताबिक अपने एग्जाम की तैयारियों में लग जाएं। जारी टाइम टेबल के अनुसार 10वीं और 12वीं कक्षा की साइंस स्ट्रीम के एग्जाम मार्च में ही शुरू होंगे और मार्च में ही खत्म हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए GSHSEB की ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं। गुजरात सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड ने हाल ही में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी कर दिया है। जारी टाइम टेबल शेड्यूल के मुताबिक 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 11 मार्च 2024 से शुरू होंगी। दोनों कक्षाओं के लिए लास्ट एग्जाम 26 मार्च 2024 को आयोजित की जाएगी। ये एग्जाम लगभग 15 दिनों तक चलेंगे। स्टूडेंट कंप्लीट टाइम टेबल GSHSEB के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं और डेट शीट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। गुजरात बोर्ड ने डेट की घोषणा अभी से कर दी है, जिससे बोर्ड के स्टूडेंट डेट्स के मुताबिक अपनी तैयारी करना शुरू कर दें। आपको बता दें कि 10वीं और 12वीं कक्षा के साइंस स्ट्रीम की परीक्षा 22 मार्च को समाप्त होगी, जबकि 12वीं क्लास की जनरल स्ट्रीम की परीक्षा 26 मार्च को समाप्त होगी। तो ऐसे ही बोर्ड परीक्षा से जुड़ी संपूर्ण जानकारी सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।